नमस्कार किसान भाइयों, इस वीडियो में आप पीएम प्रणाम योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। किसान भाइयों, इस योजना का उद्देश्य नैनो यूरिया के उपयोग को बढ़ावा देना है। भारत सरकार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान चलाकर नैनो यूरिया के उपयोग को बढ़ावा देने का कार्यक्रम बनाया है। इसको मद्देनजर रखते हुए इस वीडियो में हम नैनो यूरिया का उपयोग, इसके फायदे और इस पर अनुदान किस प्रकार प्राप्त करते हैं वो समझेंगे। नैनो यूरिया का उपयोग करने के पीछे जो तर्क हैं वो यह है कि वैकल्पिक उर्वरकों का उपयोग बढ़ाकर रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता को कम करना है, ताकि हमारे मानव जाति वनस्पति जगत को कम से कम नुकसान हो। नैनो यूरिया एक तरल उर्वरक है जिसका उपयोग सीधे ही पौधों की पत्तियों पर किया जाता है। ये कम लागत पर फसलों की उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ यूरिया के अधिक उपयोग से पर्यावरण को होने वाले नुकसान से भी बचाता है। 45 किलोग्राम यूरिया बैग के स्थान पर 500 ml नैनो यूरिया की बोतल का उपयोग करने पर समान रूप से प्रभावी है। नैनो यूरिया के उपयोग से होने वाले लाभ को राज्य के सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए वर्ष 2022-23 में राज्य के प्रत्येक जिले में लगभग 20 हेक्टर में ड्रोन द्वारा नैनो यूरिया का प्रदर्शन के रूप में कृषकों के खेतों पर छिड़काव किया गया। नैनो यूरिया के प्रसार प्रचार एवं प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में लागत का 75% अथवा 4500 रुपये प्रति हेक्टर अनुदान पर 10,000 हेक्टर क्षेत्रफल में ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया का 2 बार छिड़काव तथा लागत का 75% अथवा अधिकतम 1500 रुपये प्रति हेक्टर अनुदान पर 25,000 हेक्टर क्षेत्रफल में ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे एवं बैटरी माउंटेड स्प्रे ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया का 1 बार का छिड़काव किया जाना प्रस्तावित है। अधिक जानकारी के लिए आप अपने ग्राम पंचायत में होने वाले विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान में अवश्य भाग लें। राज्य सरकार द्वारा जनहित में जारी। Some of our key features include a large storage payload covering massive acres of land per day with 80%